हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। कुकिंग विद राखी में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला। अभी ठंड में बहुत आ रहा है, आंवले का अचार का रेसिपी मैं सोच रही आप लोग के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले हम आंवला लेंगे। मैंने 1.5 किलो के लगभग आंवला लिया है। आंवले का अचार बनना है और इसमें साथ में जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, इसमें मैंने 2 चम्मच जीरा लिया है, 5-6 खड़ी लाल मिर्च ली है, 2 बड़े चम्मच धनिया लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच के लगभग अजवाइन, 1.5 चम्मच के लगभग मेथी, 1.5 चम्मच के लगभग सौंफ, और इसमें नमक 200 ग्राम लगभग मैंने पीली सरसों ली है, हींग लिया है इसमें, मंगरेला लिया है इसमें, काश्मीरी मिर्च और तेल 500 ग्राम के लगभग लिया है, और काश्मीरी मिर्च रंग देने के लिए इसके लिए रखा है मैंने। अभी हम आंवला का अचार बनाने के लिए अपने मसाले एक तरफ करते हैं सारे। सबसे पहले एक कुकर लेंगे, उसमें मैंने पानी डाल दिया है, और सारे आंवला कुकर में उबाल लेंगे। कुकर में मैंने आंवले अपने उबालने के लिए भर दिए हैं। इसे मैं 1 सीटी लगाऊंगी। गैस ऑन करके हम हमारे आंवले को 1 सीटी तक बस उबालना है हमें। मैंने अपना कुकर वाला आंवला का कुकर इधर रख दिया है दूसरे गैस पे, जब तक मैं एक साथ दो और काम कर लूं। आंवले के अचार के लिए जो मैंने तेल लिया है, इसको मैं थोड़ा सा गरम कर लूं। तो ये भी मैंने अपना गैस इस गैस पे हमने चढ़ा दिया है, और एक तरफ फ्राई पैन में मैं सारे मसाले जो हमने लिए हैं इसको रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। मिर्ची, जीरा, हींग की मैंने 2 ली थी, 1 मैंने तेल में डाल दी है, और तेल गरम करने वाली पतीली मैंने धीमी आंच पे रखी है। एक एक करके मैं सारे मसाले, गैस पे कुल मेरी फ्लेम लो है। जीरा डाल दिया मैंने पैन में, फिर सौंफ डाल दी, हींग भी ऐड कर दी मैंने दोस्तों, मेथी खड़ी मेथी है, रोस्ट करने वाले सब मसाले मैंने खड़े लिए हैं, खड़ी धनिया भी ली है, अजवाइन खड़ी ली है, मैंने गरम मसाला भी लिया है, लेकिन वो मैं रोस्ट नहीं करूँगी, वो मेरा रोस्ट किया हुआ है अलग से, मैंने इसको तैयार किया था घर पे, तो उसको मैं इसमें नहीं डालूँगी, और खड़ी धनिया भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। बहुत जल्दी बनके हमारा आंवला का अचार बनाने वाली रेसिपी है ये अपने दोस्तों। ये झटपट बहुत आसानी से और बहुत कम समय में जल्दी खाने लायक बन जाएगी। एक तरफ मैंने आंवला उबाला, तेल हमारा गर्म हो रहा है, और ये मसाले रोस्ट हो रहे हैं। आप देखिए कितनी जल्दी हमारा आंवले का अचार बन के तैयार होता है। दोस्तों, हमारा झटपट आंवले का अचार बनने वाला की रेसिपी तैयार हो रही है। तो ये हमारा रोस्ट किया हुआ सारा मसाला, मैं इसको बस मेरा अच्छा रोस्टेड हो गया है, इसको मैं इसका पैन बंद कर दे रही हूँ, और इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद ही मिक्सी में इसको थोड़ा सा दरदरा पीसूँगी। इधर कुकर में आंवले उबल रहे हैं और तेल भी मेरा गर्म हो जाए तो मैं इसको बंद करती हूँ। तो ये 2 चीज़ मेरी रेडी है, और आंवले उबल जाते हैं उसके बाद हम उसका अचार डालते हैं दोस्तों। हमारे आंवले कुकर में उबल गए हैं इस तरह से। अब
मैं इसको बिल्कुल पानी से निकाल कर इसको थोड़ी देर के लिए इसका पानी बिल्कुल निथर जाने दूंगी। इसके बाद हम आंवले का अचार डालेंगे दोस्तों। हमारे आंवले इस तरह से उबल गए हैं और ये इतने अच्छे उबले हैं कि आपको मैं एक चीज़ बता रही, जैसे हमने इसको हाथ लगाया तो इसको बिल्कुल इसके अच्छे से स्लाइस निकल रही है, यही हमको आंवले के अचार के लिए चाहिए। तो ये बिल्कुल अच्छा ठंडा हो जाए, थोड़ी देर बाद हम फिर अचार डालेंगे। दोस्तों हमने जो कुकर में अपने आंवले उबाले थे, इस तरह से मैंने उसको थोड़ी देर पानी से नितार के फिर इस तरह से उसकी कलियाँ अलग कर ली। तो मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे मैंने अपन हमने आंवले उबाले तो इस तरह से इसकी कलियाँ ऑटोमेटिक खुलने लगती है। तो कुछ तुरंत फटाफट ये खुल जाती है। इधर हमने सारे मसाले रोस्ट कर लिए थे तो इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इस तरह से सारा मसाला ऐसा दरदरा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है आंवले के अचार के लिए। हमारे ज़्यादा मसाले आंवले के अचार में नहीं लगेंगे। एक बाउल लिया, इसमें मैंने सारे आंवले की जो कलियां हैं इसमें मैंने डाल दी। में हमने सबसे पहले जो दरदरा हमारा मसाला पिसा था अचार का, वैसे तो बना बनाया बाजार में भी आता है लेकिन हमने घर में तैयार करा है, तो इस तरह से जितना इसका रेशो लगेगा लगभग 4-5 बड़े चम्मच इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अगर बचेगा तो मेरा और किसी चीज़ में काम आ जाएगा। आधे चम्मच के लगभग मैंने हल्दी भी इसमें ऐड करी है, एक चम्मच के लगभग। इसमें पीली सरसों, मैंने इसको बिल्कुल जैसा बाज़ार में आता है वैसे ही तैयार था वैसे ही डाल दिया है, इसको जरा भी कुछ नहीं किया है। तो ये मैं चम्मच के हिसाब से इसमें ऐड कर देती हूँ, 8-10 चम्मच के लगभग इसमें हमारी पीली सरसों जाएगी। दोस्तों आंवले का अचार हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे हमें खाना चाहिए। इसमें मैं एक चम्मच गरम मसाला भी लिया था, वो भी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी ली थी हमने एक चम्मच के लगभग, ये भी मैं अपने आंवले के अचार मसाले में डाल रही हूँ। और नमक लिया था स्वाद अनुसार, 4 चम्मच के लगभग मैंने इसमें नमक डाल दिया। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी रंग के लिए हम इसमें एक चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च भी मैं अपने आंवले के अचार में ऐड करूंगी, लगभग एक चम्मच बड़े। इसके बाद इसको ऐसे 2 चम्मच से इसको मैं इस तरह से मिलाऊंगी दोस्तों। दोस्तों इस तरह से मैंने सारे मसाले को आंवले में कोटिंग दे दी पूरी। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी कोटिंग हमारी आंवले के अचार मसाले में चढ़ गई है, इसकी आंवले में एक एक आंवले में अच्छी
कोटिंग चढ़ गई है हमारी, देखिए दोस्तों इस तरह से। अब इसे मैं अचार की बर्नी लूँगी, इसमें सारा इसको भर दूँगी मैं। दोस्तों एक प्लेट मैंने रख के उसके ऊपर एक अचार की बर्नी अपनी, जिसमें मेरे को आंवले रखने हैं अचार को, तो मैंने इसमें भरती जाऊँगी इसमें। अभी मैंने इसमें तेल बिल्कुल नहीं मिलाया है इस आंवले में, इसको आप चाहे तो सूखा भी रख सकते हैं। जैसे कोई जॉइंटिस का रोगी है तो उसको आप बिना तेल का आंवले का अचार दे सकते हैं, कोई हार्ट पेशेंट है या घर में जो तेल नहीं खाता उसके लिए आप 2+2 in 1 अचार बन रहा है हमारा, एक तो बिना तेल का और इसके बाद मैं इसको तेल कैसे ऐड करूँगी, आप इसको आप नई तरह की चीज़ आप देखेंगे कि अचार में कैसे डलती है ये, और बहुत आसानी से बनने वाला अचार है आंवले का अपना। दोस्तों एक ही वीडियो में मैं दो तरह के अचार बता रही, एक तो आपको तेल वाला अचार और एक आंवले का अचार जो बिना तेल के किसी को खाना है तो आप उसको दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको तेल कितना अच्छा करना है वो मैं बताती हूँ आपको। हमने जो भगोनी में तेल आधा किलो उबाला था उसको गर्म करके बिल्कुल ठंडा अच्छा होने दिया, उसमें मैं दो चम्मच के लगभग काश्मीरी मिर्च तेल में मैं इस तरह से खोल दूंगी। बिल्कुल तेल हमारा अच्छा गर्म किया हुआ था जो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको रंग देना है मुझे अचार को, जो हमें मार्केट में देखने को मिलता है, तो इस तरह किसी तरह का कोई कलर कुछ नहीं मिलाया है। इस तरह से देखिए हमने पूरा तेल कितना अच्छा तैयार कर लिया। ये हर अचार में आपके काम आ सकता है, चाहे तो आप इसमें भी थोड़ा सा एक चम्मच ऐसे मिला के खा सकते हैं, सूखा वाला जो हमारा अचार है बिना तेल का। इस तरह से इसको हमने थोड़ा मिला लिया, 2, 4, 8, 10 बार घुमा लिया। तेल हमारा बिल्कुल ठंडा है दोस्तों। अब ये जो हमने अचार की बर्नी में, अब इस तेल को हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है दोस्तों। देखिए हमारे आंवले का अचार का कितना अच्छा कलर आ गया, आप खुद देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा आंवले का अचार, आप देखिए इस तरह से तेल में डूबा वाला अचार, देखिए इस तरह से। इतना हमने आंवला का अचार सूखा रख लिया है, अगर हम इसमें तेल मिलाना है तो तेल भी मिला सकते हैं हम, और हमारा थोड़ा सा तेल बच भी गया है। जैसे जैसे इसमें कम होता जाता है आप इसको भर दे पूरा, और जितना अच्छा हमारा अचार तेल में डूबेगा, एक सीक्रेट है अचार का, कोई भी अचार का जो ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है अगर वो तेल में नहीं डूबा रहता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर हमें इसे ख़राब होने से बचाना है तो इसके अचार को, हमें कोई भी अचार उसको तेल में डूबे रहना उसका ज़रूरी है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आज आपके लिए बनाया आंवले का अचार। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इसका ऐसे ढक्कन लगा देते हैं, हो गया ना हमारा अचार बाजार जैसा इंस्टेंट तैयार। तो दोस्तों कुकिंग विद राखी में आज मैंने आपको बनाना सिखाया आंवले का अचार। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुकिंग विद राखी। दोस्तों बाय बाय, जय हिंद। दोस्तों आज आंवले का अचार जो हेल्थ के लिए बहुत स्वास्थ्य वर्धक होता है, देखिए मैंने बनाया, इसको कितना अच्छा लग रहा है। ये आंवले हैं, इस तरह से बाजार में मिलते हैं, इस तरह से मैंने बनाया, देखिए कितना अच्छा लाल, बाजार से भी अच्छा, इतना स्वादिष्ट लाजवाब अचार आज तक आपने आंवले का देखा नहीं होगा। स्वाद इसका इतना बढ़िया कि आप इसे बनाएंगे तो खुद ही बताएंगे कि कितना अच्छा अचार है आंवले का ये। और इस तरह से मैंने सूखा भी बनाया है, तो ये किसी को हम तेल नहीं डालेंगे तो बिल्कुल आराम से उसे दे सकते हैं। जैसे तेल से प्रॉब्लम है या कोई किसी को शिकायत है तेल का हमें देना नहीं है, तो हमारा 2 in 1 अचार एक साथ आज तैयार हुआ है दोस्तों। इसको आप दाल चावल रोटी पूड़ी
पराठे, नॉन, जिसके साथ भी खाना है और मेहमानों को आप सर्व करेंगे तो फिर आप खुद ही बताइए कि अचार देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा होगा। बस एक ट्रिक है, अचार अगर आप बिल्कुल अच्छा रखना चाहते हैं साल भर का, तो अचार की बरनी में तेल जैसे खाली होता जाता है तो तेल आप उसमें ऐड करते जाएं तो आपका अचार सालों साल चलेगा, कभी खराब नहीं होगा। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई काबले के अचार की रेसिपी। इस तरह से मैं और भी अचार की रेसिपी लाऊंगी जो बिल्कुल बाजार जैसी इंस्टेंट। आज देखिए हमने बिल्कुल बाजार का कुछ मसाला नहीं डाला, जो हमारे पास घर में अवेलेबल था उसी से बनाया। आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो उसे आप स्किप कर दें, अगर है तो डालिए नहीं तो जो नहीं चाहिए वो स्किप कर दें। कम चीज़ों से भी हमारा अचार घर में बहुत स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। आज कुकिंग विद राखी में आपने एक ही चीज़ से दो तरह का अचार देखा, एक तेल वाला आंवले का अचार और एक सूखा बिल्कुल आंवले का अचार, जिसे आप तुरंत इसे खा सकते हैं। सूखा आंवले का अचार भी रोटी, चावल, दाल, पराठों के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम ऑफिस ले जाते हैं और टिफिन में बहुत तेल तेल जैसा हो जाता है तो आप ऐसे बिना तेल का भी आप अचार ऐसे कुछ आसानी से अच्छा खा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने बनाई तो आपको कैसी इसका स्वाद लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप कहेंगे कि आज ही हम बना, अगर ये वीडियो आप देखते तो ऐसा लगेगा आज ही बना के हम इस अचार को खाएँ। इतना अच्छा सुंदर लाल रंग का अचार, बिल्कुल बाजार जैसा, उससे भी अच्छा आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुकिंग विद राखी। बाय बाय, जय हिंद। इसका मैं ढक्कन खोल के दिखाती हूँ दोस्तों, देखिए इस तरह से हमने पूरा अचार अपना बनने में तैयार कर लिया दोस्तों।